तो हे गाइस, मैं हूँ केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप छत्तीसगढ़ के अंदर खेती किसानी का काम करते हैं और यदि आप 2023 या 2024 के अंदर यदि आप अपना जो धान है उसको बेचने जा रहे हैं फ्रेंड, तो आपको पता होगा कि आपको जो है यहाँ पर धान बेचने के लिए आपको जो टोकन है उसे कटवाना पड़ता है। फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि धान जो है जो उपार्जन केंद्र होते हैं जहाँ पर धान की खरीदी होती है। यदि आप अपने खेती करने के बाद यदि आपका जो धान है जब कटाई वगैरह हो जाता है तो आप अपने धान को उपार्जन केंद्र जो गवर्नमेंट ने जो केंद्र ओपन किए हैं वहां पर जाकर आपको टोकन कटवाना पड़ता है, जिससे कि आप अपने धान को यहां पर जाकर बेच सकते हैं। तो वहां पर अपने धान को बेचने के लिए आपको एक टोकन कटवाना पड़ता है। तो उस टोकन को जो है कि आप किस तरीके से जो है कि सिंपली तरीके से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन टोकन कटवा कर भी आप अपना समय तारीख देकर वहां पर जाकर अपना जो है कि धान बेच सकते हैं इजी तरीके से। तो आज का हमारा एजेंडा यही है कि आप किस तरीके से अपना जो है टोकन कटवाएंगे ऑनलाइन तरीके से। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और हमारी वेबसाइट kkzproductionsurface.in है, यहाँ पर भी विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप जो है अपना टोकन कटवाएंगे ऑनलाइन तरीके से। देखिए, धान बेचने के लिए टोकन कैसे प्राप्त करेंगे आप, तो इसके लिए देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जब कोई यहाँ पर देख सकते हैं धान की खेती करता है तो धान पक जाने के बाद उसे काट कर छत्तीसगढ़ सरकार को बेचना पड़ता था। ठीक है, तो सरकार को अपनी धान बेचने के लिए टोकन काटना पड़ता है, जिसके लिए किसानों को कई घंटे कई दिनों तक लाइन में खड़ी रहनी पड़ती है, जिसके कारण किसानों के सामने के प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसमें क्या है चीज़ें हैं कि जो आप अपना धान जो है काटने के बाद जो है आपको मंडी या फिर जो बोल सकते हैं जो उपार्जन केंद्र है वहां पर जाकर धान को बेचने के लिए जो है कि टोकन कटवाना पड़ता था पहले पहले के टाइम पे, लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उसमें क्या है, घंटों आपको बैठना पड़ता था, हालांकि अब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन धान जो टोकन है वो आपको कटवा के उसी दिन आपको जाकर अपना धान बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इन समस्याओं का हल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए देख सकते हैं लाइन में खड़े खड़े होकर टोकन काटने की इस समस्या का छुटकारा देने के लिए एप लॉन्च कर दिया गया है। एक जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम देख सकते हैं टोकन तुहर हाथ एप्स है। इस एप्स के माध्यम से किसान घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा आसानी पूर्वक धान को बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में A to Z मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप टोकन काटेंगे। ऑनलाइन तरीका रहेगा, एप्स के द्वारा रहेगा, किसान अपनी धान बेचने के लिए टोकन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया फ्रेंड इसमें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो इस एप्स का नाम है टोकन तोहर हाथ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पंजीकृत किसान जो भी किसान ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन अलग होता है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही जो है कि आप टोकन कटवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन तो एक ही बार होगा आपका, तो यहाँ पर टोकन तो हर साल आपको कटवाना पड़ेगा अपने धान को जो उपार्जन केंद्र है वहाँ पर ले जाने के लिए। तो पंजीकृत किसान राज्य सरकार ने एक सुविधा टोकन तुहर हेड एप्स के रूप में उपलब्ध कराई है। इस एप्स के द्वारा ही किसान उपार्जन केंद्र जहां पर धान की खरीदी होती है में अपना धान बेचने के लिए स्वयं एक निर्धारित तिथि तय कर सकते हैं। मतलब कि आप एक डेट सेलेक्ट करेंगे, कितना धान आपको बेचना है वो आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको उस दिन जाना है। तो घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा अपने धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अब किसानों को टोकन काटने के लिए उपार्जन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी टोकन यदि आप टोकन कटवाना चाहते हैं तो वहां पर उपार्जन केंद्र जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस ये देख सकते हैं इस एप्स के द्वारा किसान रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी, भूमि खाता टोकन, धान की खरीद और भुगतान की स्थिति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप इजी तरीके से इस एप्स में यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अर्थात टोकन तुहर हेड एप्स की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। इस एप्स को डाउनलोड कैसे करें, इस एप्स को डाउनलोड करने की प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोकन तुहर हेड एप्स डाउनलोड करने के लिए देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का एक देख सकते हो उदाहरण लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं, तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस एप्स को डाउनलोड करने की प्रक्रिया है टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको गूगल के अंदर जो गूगल प्ले होता है, प्ले स्टोर, उसके अंदर क्या करना है आपको,
तो देख सकते हैं, तुहर हाथ किसान टोकन आप देख सकते हैं। इस ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, इस ऐप्स का आइकन वगैरह आप देख लीजिए, इसी ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस ए जो कीवर्ड है उसको टाइप करने के बाद, इसके बाद टाइप करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रिजल्ट, आप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए रिजल्ट क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, इस पेज पर इंस्टॉल के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल का बटन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह आपका ऐप्स जो है डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद नीचे की तरफ ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन का बटन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस ऐप्स पे रजिस्टर करें, इसके बाद आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस ऐप्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए धान धान बेचने के लिए टोकन कैसे निकालते हैं, ये आपको पूरा स्टेप टू स्टेप मैं बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप स्टेप देखिएगा। अब आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पर जाकर टोकन सर्च करना है, ठीक है। फिर देख सकते हैं जब आपका मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको इस ऐप्स को डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर तो स्टेप देख चुके हैं, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं इस ऐप्स में एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है, जिस पर आप लोगों पर क्लिक कर देना। इसके बाद टोकन तुम्हार हाथ ऐप पेज जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसमें फ्रेंड देखते तो इसमें रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग इस पेज पर किसान कोड दर्ज करना होगा, जो किसान का कोड होगा आपका, जो भी कोड होता है उसको दर्ज करना पड़ेगा, और जानकारी देकर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो ऑप्शन वहां पर दिया रहेगा, इन सब किसान कोड को दर्ज करने के बाद जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को के सामने पूरी जानकारी, किसान का नाम, तो किसान कोड से आपका जो है कि पूरी किसान से रिलेटेड जितनी डिटेल है, किसान का नाम एवं उसका पता ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका किसान कोड है उसके द्वारा आप डालेंगे तो आपका किसान का नाम, उसका एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर वहां पर दर्ज करना होगा, एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसपे कि ओटीपी आ जाए। इसके बाद आप लोगों के मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, एक ओटीपी का ऑप्शन, मोबाइल नंबर डालेंगे वहीं पर ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप लोग के मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद फ्रेंड 6 डिजिट का ओटीपी होगा, उस ओटीपी को आप क्या करेंगे, उस एप्स में दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप लोग 4 अंकों का एक पासवर्ड बनाना होगा, वहां पर आपको 4 अंकों का पासवर्ड बनाना होगा, और टोकन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे का ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद लोगों को एक आपको एक तारीख सेलेक्ट करना है, और जितना धान आपको बिक्री करना है उसको क्विंटल में आपको वहां देना पड़ेगा, और इसे भरकर सुरक्षित करने वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे सुरक्षित भर करने वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, और आपको फ्रेंड जो है कि एक डेट मिल जाएगा, और कितना धान बेचने वाले हैं उसका भी डिटेल आ जाएगा, तो आप उसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। और जो भी डेट दिया गया है उसी डेट को आप उतनी ही तारीख को जो है कि अपना धान लेकर जो भी उपार्जन केंद्र है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने के बाद अपने धान को आप इजी तरीके से बेच सकते हैं, और वहां से आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप अपना धान बेचना चाहते हैं तो इस नियम को पूरा फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।